नमस्कार दोस्तों, एके आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन चीज लेके आए हैं, बहुत ही शानदार औषधि है। इसको आसानी से घर पे बनाया जा सकता है और इसके बहुत से फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस औषधि का नाम है श्री सिद्ध मोदक। इसका वर्णन बेसर रत्नावली में मिलता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके जो इंग्रीडियंट्स हैं यानी घटक द्रव्य हैं उनमें है त्रिकटु त्रिफला, इसके अलावा चित्रक मूल की छाल, वायुविडंग, गठिवन और पिपला मूल। इन औषधियों को गुड़ के साथ मिला के इस औषधि का निर्माण किया जाता है और बनाना बहुत आसान है। आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे। आचार्यों ने इसके बारे में कहा गया है कि अगर आप इसको एक महीने लगातार सेवन करते हैं तो आप वामी बनते हैं, और अगर दो महीने लगातार सेवन कर लेते हैं तो आपके वर्ण में सुधार आता है। तीन महीने लगातार सेवन करने से किसी भी तरह का कुष्ठ वो ठीक हो जाता है। चार महीने लगातार सेवन करने से आपके श्वास और काश यानी दमे की जो शिकायत है उसमें भी बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। और पाँच महीने लगातार सेवन करने से आपकी काम शक्ति बढ़ती है। और छह महीने लगातार सेवन करने से कहा गया कि पालित्य रोग आपका पूरी तरह ठीक हो जाता है, यानी अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो वो पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बहुत ही शानदार औषधि है। बारह महीने तक अगर आप इसका लगातार सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जो आठों सिद्धियां हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। बिल्कुल स्टिक और बहुत ही अच्छी औषधि है, बनाना बहुत ही आसान है और इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं पड़ती। आपके एक चाय के कप से भी कम कीमत की औषधि पर डे आपको पड़ेगी। 365 दिन आप इसको सेवन कर सकते हैं। लगातार 365 दिन आप इसका सेवन कीजिए, बहुत से आपको फायदे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बना के दिखाते हैं आपको श्री सिद्ध मोदक। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं श्री सिद्ध मोदक। दोस्तों आज आपको जिस बेहतरीन औषधि को बना के दिखाएंगे उसका नाम है श्री सिद्ध मोदक। ये भेषज रत्नावली में इसका वर्णन मिलता है। इसको बनाने के लिए मात्र 12 तरह की औषधियों की आवश्यकता होती है जो कि आपके सामने हैं। आज के वीडियो में हम आपको इन औषधियों का परिचय कराएंगे और आपको श्री सिद्ध मोदक बना के दिखाएंगे। इसको किस तरह से उपयोग करना चाहिए और इसके उपयोग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उन सभी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त योज है जो आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो उपयोग होते हैं उन औषधियों का आपको एक एक करके परिचय करवाते हैं। पहली औषधि है त्रिकटु की तीन औषधियाँ जिसमें सौंठ, छोटी पीपली और काली मिर्च होती हैं। दोस्तों इन तीनों को 50-50 ग्राम हमें लेना होता है। इसके अलावा त्रिफला जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी हरित की, विभित की और आमल की, ये तीन तरह की औषधियाँ होती हैं। इन्हें भी 50-50 ग्राम हमें लेना होता है, यानी 5-5 तोला लेना होता है। इन छः औषधियों का आपको लेना होता है 5-5 तोला। इसके अलावा जो पांच अन्य औषधियाँ हैं जिसमें गिलोय जिसको चक्र लक्षणी का अमरता गुरुची बोलते हैं, इसके अलावा वायुविडंग जिसको कर्मीगन या जंतुनाशक बोला जाता है, इसका लेटिन नेम एम्बलिकिया राइबिस होता है, इसके अलावा रूट ऑफ पाइपर लोंगम जिसे पीपला मूल बोला जाता है, और गठिवन जिसे व्याघ्र नखी, गर्द नखी या ग्रंथिपर्णी नाम से भी जाना जाता है, इसके अलावा चित्रक मूल जिसे चिता चित्र क्या लाल चित्र कहते हैं, उसकी छाल आपको लेनी होती है। इन पांच औषधियों को लेना होता है 10-10 तोला यानी 100-100 ग्राम। इसके अलावा जो गुड़ का प्रयोग किया जाता है, गुड़ आपको लेना होता है 3 से 10 तोला यानी लगभग 3 किलो के आसपास आपको गुड़ की आवश्यकता होती है। इस तरह से इन 12 औषधियों को लेके आपका श्री सिद्ध मोदक बनाया जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि दोस्तों इन औषधियों का बारीक पाउडर बना लें। 11 औषधियों का बारीक पाउडर बना लें और उस पाउडर की जो मात्रा मैंने आपको बताई, पहले 6 औषधियाँ आपको लेनी होती हैं 50-50 ग्राम, और उसके बाद जो 5 औषधियाँ होती है वो आपको लेनी होती है 100-100 ग्राम। इसके अलावा जो गुड़ की मात्रा है वो आपको लेनी होती है लगभग 3 किलो। तो दोस्तों ये सिंपल सी मात्रा आपको लेके श्री सिद्ध मोदक बनाना होता है। इसमें सभी औषधियाँ हमने कूट पीस के जो निश्चित मात्रा मैंने बताई है उस मात्रा में आपको लेनी है। उसके बाद इन सभी को एक जान कर लें, जो 11 पाउडर हमने बनाए थे उनको एक जान कर लें। आप चाहें तो चलनी की सहायता से छान सकते हैं या आपस में इनको मिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो गुड़ है उससे श्री सिद्ध मोदक बनाने के लिए सीधा ही गुड़ में मिलाने के लिए कहा गया है, लेकिन अगर गुड़ में नमी ना हो तो गुड़ में थोड़ी सी पानी डाल के उसकी चाशनी बना लेनी चाहिए और उसमें पाउडर मिलाना चाहिए ताकि मिलाने में आसानी हो। ख़ासतौर में बुक में लिखा गया है कि इसके लिए
आसाम का गुड़ प्रयोग करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छे फायदे मिलते हैं, लेकिन कोई भी गुड़ आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध हो, उस गुड़ का प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले आप गुड़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कम से कम केमिकल का गुड़ हो उसका प्रयोग कीजिए। उस गुड़ को आप अच्छे से इमामजस्ते में डाल के कूट लीजिए। कूटने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप पाउडर सीधा मिल जाए तो सीधा भी मिला सकते हैं, लेकिन क्या होता है गुड़ में नमी होती है तो सीधा मिल जाता है, लेकिन गुड़ में जब नमी नहीं होती है या गुड़ ज़्यादा टाइट हो जाता है तो सीधा नहीं मिल पाता। तो उसके लिए मैंने ओंखली का प्रयोग किया था, जो ओं से ओंखली होती है, ओंखली मुसल का प्रयोग करके इसमें गुड़ और मिलाने की कोशिश की थी पाउडर में, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एसिपल रहा था। इसके बाद मैंने जो गुड़ की थोड़ी सी चाशनी बनाई, उसके बाद इसके अंदर जो पाउडर हमारा मिलाया और फिर आसानी से इसको मिला के और श्री सिद्ध मोदक हमने तैयार कर लिए। दोस्तों वैसे कहा गया है कि आप इसमें सीधा ही मर्दन करके इसकी लड्डू बना सकें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इसीलिए मैंने पहले ओंखली में गुड़ और जो हमारा पाउडर है उसको डाल के अच्छे से कुटाई करने की कोशिश की, लेकिन ओंखली छोटी रहने की वजह से पूरा सामान इसमें नहीं आ पाया, जिसकी वजह से अच्छे से इसको कूटा नहीं गया। फिर हमने इसको बाहर निकाल के थोड़ा कम करके भी कूटने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी हमें सफलता पूरी तरह नहीं मिली। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया कि इसको छान कर फिर इसके जो मोटा गुड़ था उसको अलग करके उसकी थोड़ी सी हल्की सी चाशनी बनाई। उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सीधा ही ऐसा करें कि गुड़ की चाशनी बना लें, थोड़ी सी रबड़ी जैसी बना लें और उसके अंदर पाउडर मिला के फिर उसके लड्डू बना लें। तो दोस्तों उसका करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सा कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लीजिए, उस पानी में आपको गुड़ डालना है और गुड़ डाल के हल्की राब जैसी चाशनी बनानी है और उसमें आपको ये पाउडर मिला के और इसके लड्डू बनाने हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका लड्डू बनाने का है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस लड्डू का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों इसके लगभग आपको 360 लड्डू बनाने हैं, इतनी मात्रा के आप 360 लड्डू बनाइए, पूरे वर्ष भर की खुराक आपकी एक साथ ही बन जाएगी। तो दोस्तों आपको प्रयोग करना है रोज़ एक लड्डू, आपको जो लड्डू की साइज रखनी है वो लगभग एक तोला के हिसाब से रखनी है। तो एक मोदक रोज़ लीजिए, सुबह प्रातःकाल आप इसको खाली पेट आप इस तरह सेवन कर सकते हैं और उसके ऊपर पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से निरंतर आप 12 महीने तक इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इस औषधि के सेवन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों भेषज रत्नावली में बताया गया है कि इस औषधि का लगातार सेवन करने से बहुत से फायदे होते हैं। पहले महीने अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो आपकी बुद्धि में विकास होता है, दूसरे महीने आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो आपके बल और व्रण में वृद्धि होती है, इसके अलावा तीसरे मास में आप इसका सेवन करते हैं यानी 3 मास लगातार सेवन करते हैं तो आपका कुष्ठ रोग पूरी तरह मिट जाता है, चौथे मास लगातार सेवन करने से आपके जो श्वास रोग है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है, पूरी तरह श्वास अस्थमा जैसे रोग ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा 5 मास लगातार सेवन करने से आपकी काम शक्ति बढ़ती है और 6 मास लगातार सेवन करने से आपके जो पालित्य रोग है यानी आपके सफ़ेद बाल होने की समस्या है वो ठीक हो जाती है, वो रोग पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा 7 मास तक औषधि का सेवन करने जाए तो शरीर का अंतिमाय बनता है और 8 मास सेवन करने से शरीर में बल बढ़ता है, 9 मास सेवन करने से मनुष्य 100 वर्ष की आयु जीवित रहता है, इसके अलावा 10 मास सेवन करने से मनुष्य का स्वर अति श्रेष्ठ हो जाता है और 11 मास सेवन करने से मनुष्य अत्यंत बल वीर से पुष्ट हो जाता है और 12 मास तक लगातार सेवन करने से मनुष्य में जो 8 सिद्धियाँ हैं वो प्राप्त करने की क्षमता हो जाती है। इस तरह से मनुष्य अगर इसको 12 मास लगातार सेवन करे तो वो जीवन पर्यंत अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करता है और उसको बुढ़ापा नहीं आता है, इस तरह की महिमा इस मोदक की बताई गई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन और असरदार औषधि है, दिखने में सिंपल है लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन औषधियाँ हैं उन पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए, उसे बिना किसी शंका के सेवन करना चाहिए। आप चाहें तो अच्छे आयुर्वेद वैद्य की सलाह के अनुसार इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। आप आहार विहार पथ्य सिंपल रखें, नॉर्मली आप खट्टी तली भुनी चीज़ें ज़्यादा प्रयोग ना करें, सिंपल आहार विहार करके इस औषधि का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत ही बेहतरीन और एक नया नुस्खा आपके लिए लेके आया हूँ, भेषज रत्नावली का ये नुस्खा आप ज़रूर अपनाइए और फायदा उठाइए, अपने जीवन को खुशियों से भरिए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक आयुर्वेद आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, धन्यवाद।